माफी को लेकर मालवा के किसान उत्साह में बीजेपी ने दी चुनौती। बीजेपी ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि अगर 10 दिन में मालवा के किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया तो वह आंदोलन छेड़ देंगे। कर्ज माफी के 4 मॉडल, खर्च करने होंगे 20,000 करोड़ रुपए। शपथ लेते ही नाथ कर्ज माफी और बेरोजगार भत्ते की घोषणा करेंगे। कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल कई दिग्गज। कांग्रेस यूं तो 15 साल का वनवास करने में सफल हो गई है, लेकिन कमलनाथ की शपथ लेने के बाद प्रदेश का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, इससे चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की ताजपोशी में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। विजय दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शहीद सैनिकों को सलामी दी। हाल ही में मध्य प्रदेश चुनाव परिणाम भले ही भाजपा के विरोध में आए हो और विपक्ष से कई बड़ी चुनौतियां सामने मिली हो, लेकिन शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई नहीं है। राफेल सौदे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद विपक्ष और सरकार में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर गलत तथ्य परोसने, सांसद और न्यायालय की अवमानना करते हुए सुप्रीम कोर्ट से निर्णय वापस लेने की मांग की है। रायबरेली में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा सौदे में हमेशा से दागदर रही है कांग्रेस। खजुराहो में 2.8 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर, कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी। निर्भया गैंग रेप को हुए 6 साल, जनता पूछ रही है कब मिलेगी आरोपियों को सजा, यह है सरकार की विफलता। इंदौर में बीजेपी का जश्न मनाते हुए महिलाओं ने विशाल वाहन रैली निकाली।